हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिया दीप में, और मैं हूँ प्रिया। तो हमें ये मूंग दाल का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल लेना है और इसे अच्छे से धोकर भिगा देना है। मैंने यहाँ पे इसका छिलका भी कुछ निकाल लिया और कुछ बाकी रह गया है। ये ग्रीन मूंग दाल नहीं है, ये है येलो मूंग दाल। आप कोई सा भी मूंग दाल का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें इस मूंग दाल को छान कर, पानी से छान कर एक मिक्सर जार में निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने सारे दाल को एक मिक्सर जार में निकाल लिया है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक मिर्च, और इसके बाद कुछ छीले हुए लहसुन, और फिर हम लेंगे इसमें एक कटी हुई प्याज, और इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद हम लेंगे नॉन स्टिक तवा, और इसमें मैंने ऑयल डाला है। मेरा जो गैस का जो फ्लेम था वो काफ़ी हाई था, जिसके कारण वो ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए यहाँ पे हम पानी डालकर इसे ठंडा कर सकते हैं। इसके बाद हम ने जो घोल बनाया था उसमें थोड़ा सा नमक डालकर हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से इस तवे में फैलाएंगे। पहली बार बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है इसे फैलाने में। देखिए मैं कितने आराम से इसे फैला रही हूँ। मूंग दाल को ज़्यादा बहुत स्मूथ नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। थोड़ा दरदरा रखने से इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो बैटर डाला था उसे अच्छे से फैला लिया है। अब इसे एक तरफ अच्छे से पकने के बाद ही इसे दूसरी तरफ पलटाएंगे। यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालना है। एक तरफ पकने के बाद ही इसे पलटाए वरना ये टूट जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किनारे किनारे पता चल रहा है कि हमारा जो है वो एक तरफ से पक गया। इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसे अच्छे से पकाएंगे। और ये देखिए हमारा जो ये चीला है वो एक तरफ अच्छे से पक गया। अब इसे दूसरी तरफ भी ऐसे पलट कर सेकेंगे। अब थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेकने में, क्योंकि हमें मध्यम आँच में ही इसे सेकना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो अब हमारा जो ये चीला है वो दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है और बनकर तैयार भी हो गया है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।